हेलो गाइस, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। एंड मेरे को लगता है कि आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो RX 100 का रिस्टोरेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग को RX पे और जो भी वीडियो चाहिए दोस्तों, मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और एक और बात, आकाश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मतलब वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो नीट दे चुका है। तो आज है दोस्तों 13 सितंबर, और वो बोला था कि भाई, मतलब हम लोग का पहले बात होता था, तो वो बोला था कि भाई मैं भी आऊँगा यार, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करूँगा। तो मैं बोला यार अच्छी बात है, ज़रूर करो। तो कल वही फिर वो फ़ोन किया था, आने के बाद उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया बताया। तो अब वो आएगा आज मार्शल आर्ट्स क्लास, तो उसका आज पहला दिन रहेगा, तो देखेंगे कि आज वो क्या क्या करता है। वैसे तो उसको विक्रम भैया ही कराएंगे, और बाकी के शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ चल के। और अभी बस वही प्री वर्कआउट मेरा सेम चना रहेगा, और साथ में कुछ केले रहेंगे बस। उसके बाद फिर अपन लोग चलते हैं मार्शल आर्ट्स क्लास। तो भाई अभी अपन लोग क्लास पहुंच चुके हैं, आकाश भी आ गए हैं, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैं तो साइकिल से आया, पहला दिन अभी गाड़ी से आया है, बाद में आएगा साइकिल से। तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आज, इसका नॉर्मल वार्म अप कराएंगे, और नॉर्मल जो भी जनरल एक्सरसाइज जो मैं किया था पहली बार वही कराएंगे इसको। और मेरा पता नहीं शायद पंच प्रैक्टिस या स्ट्रेंथ स्टेमिना जो भी मैं करूँगा वही करूँगा। फिर अपन देख लोग, अपन लोग का प्रैक्टिस हो गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो एकदम फुल हालत ख़राब हो चुका है मेरा तो। और इधर साहू जी आ रहे हैं, और आज मैं साइकिल में आया हूँ, तो जाने में और हालत ख़राब हो जाएगा इतना दूर। तो साहू जी कैसा लगा पहला दिन? पहला दिन और उसी में मेरे को उस समय तो लगा ठीक है कर ले रहा हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे पैर वैर दर्द सब अभी बढ़ रहा है, तो देखते हैं अभी और कितना दर्द बढ़ता है। बाकी मज़ा तो बहुत आया, कल भी आऊँगा। बस डाइट लेना, मतलब अच्छे से खाना पीना, प्रोटीन वाला डाइट ले लेना, अभी जल्दी से जाके बस हो जाए तो फिर आ जाएगा घर आज। हाँ देखता हूँ अभी आज का शेड्यूल क्या है, कैसे सेट हो। चल ठीक है बताना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बस तुरंत। तो भाई मैं अभी घर पहुँच गया हूँ, और अभी नाश्ते का टाइम हो गया, मेरा क्लास भी हो गया ख़त्म। और अभी नाश्ते में मेरे पास 4 रोटी और ये है, तो नाश्ते में बस चना दाल और लौकी की सब्जी है। भाई ये रोटी सब्जी मैं कभी खाऊंगा, उसके बाद नहा वहा के फिर देखते हैं, अगर कहीं जाना होगा तो जाएंगे, तो उसे तो दुकान जाना पड़ेगा चुका हमें। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैं आपको बताया था कि मेरे को दुकान जाना पड़ेगा, तो बस वही अब मैं दुकान से आ गया हूँ। और अभी मतलब ज़्यादा देर नहीं, आधा ही घंटा हुआ, मैं अभी नमाज वमाज पढ़ के अभी छत पर आ गया हूँ। और फिलहाल कुछ करने के लिए है नहीं, और बस मेरे को प्रैक्टिकल लिखना है अपना कॉलेज का, बायोकेमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें से कल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ लिखा हूँ, आज बायोकेमिस्ट्री का लिखूँगा। और भाई अभी क्या है, दोपहर में खाना वाना खा नहीं पाया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा कि क्या करूँ, खाना सही से हुआ नहीं कुछ, मतलब पानी गिरा था तो भाई आ नहीं पाया, तो मैं वहीं बैठना पड़ा लेट तक। तो अभी बस जा रहा हूँ मैं, वर्कआउट करता हूँ थोड़ा सा, आज बाइसेप और ट्राइसेप थोड़ा कर लेता हूँ शाम में। अभी मैं ऐसा सोचा हूँ कि मतलब
मैं मार्शल आर्ट्स करूँगा साथ में अपना, मतलब जैसे घर में जैसे टाइम जब भी रहेगा तो मैं अपना मतलब नॉर्मल मतलब मसल ट्रेनिंग भी करूँगा। तो अभी पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2 5-5 kg के डंबल हैं और एक ये रॉड है। तो बस हाँ, तो बस इसी के हेल्प से मैं बस अपना बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करूँगा। तो भाई लोग सबसे पहले अभी हम लोग वर्कआउट में करेंगे 3 सेट बाइसेप कर्ल, फिर 3 सेट हैमर कर्ल और उसके बाद 3 सेट करेंगे अपन लोग रॉड में कर्ल लगाएंगे बस। फिर बाइसेप ख़त्म, फिर हम लोग करेंगे जो अपना डायमंड पुशअप होता है ट्राइसेप के लिए वो करेंगे, फिर अपन लोग ये क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा यार, डंबल प्रेस नहीं, मतलब एक हाथ से जो एक्सटेंशन वाला करते हैं ना अपन लोग जिम में, तो ट्राइसेप के लिए एक वो एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद एक करेंगे अपन लोग, यार मैं जिम जाना क्या छोड़ा, नाम ही भूल गया क्या क्या करते हैं, तो मैं मतलब दिखा दूंगा कि क्या क्या कर रहा हूँ। तो बस ये मतलब लगभग 6 एक्सरसाइज या 7 एक्सरसाइज ज़्यादा ज़्यादा बस इतना ही करूँगा मैं आज। तो दोस्तों मेरा वर्कआउट हो चुका ख़त्म, बीच में मतलब ख़त्म क्या मतलब थोड़ा सा बच गया क्योंकि बीच में आसिफ भाई का कॉल आ गया था और बताया कि छोटे अब्बू छोटी अम्मी आसिफ और अमन मतलब सब चारों आ रहे हैं आज शाम में हम लोग क्या घूमने। तो और मैं सोच रहा था कि बाहर यार आज पनीर वनीर ले के आऊँगा अपने डाइट के लिए, तो शायद अभी तो मैं मम्मी को बताया नहीं, नीचे जाता हूँ बताता हूँ, हो सकता है मम्मी बोले कि बेटा आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी, पनीर पनीर बहुत मन कर रहा है भाई खाने का। तो दोस्तों अभी मैं बीच मार्केट में सनीश्री मार्केट में, तो भाई मम्मी ने मेरे को चिकन लेने के लिए बोल दिया था भाई, मैं तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन क्या है चिकन आज अपने को मिला नहीं, तो भाई अब दुखा था कि पनीर ही लेना पड़ेगा मेरे को। और अभी मैं पनीर और अपने लिए केले ले लिया हूँ, मैं पनीर नहीं सॉरी मतलब टमाटर लिया हूँ और केले लिया हूँ, अभी जाके पनीर लूँगा। तो दोस्तों अभी मैं घर तो पहुँच गया हूँ, मेरे को पनीर लिया, मैं केला लिया और हाइड एंड सीक बिस्किट लिया और एक मैं फलाहारी मिक्सचर और एक और कोई सा मिक्सचर लिया, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो बस मैं इतना आइटम लिया और सबसे पहले बताया था टमाटर लिया सनीचरी से, तो बस इतना आइटम लेके अभी मैं घर आ गया हूँ। अभी लगभग 7:45 बज रहे हैं, मम्मी बोली जल्दी खाना बनाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और क्या कल सुबह हो सकता है मेरे को शायद ना जल्दी आना पड़ेगा क्लास, मतलब कन्फर्म नहीं लेकिन हो सकता है जल्दी जाना पड़े, तो आज जल्दी और सोना पड़ेगा। तो भाई लोग अभी मैं अंदर आया तो मेरे को एक काम मिल गया, मम्मी बोली बेटा पनीर काट दे, पनीर बनाना है ये आधा किलो पनीर, और ये रूम आरिफ का रूम है मेरा नहीं है। तो अभी बस मैं फटाफट से क्या लग गया, हाँ तो अभी बस मैं फटाफट से पनीर काटता हूँ और मम्मी पनीर बनाएंगी, बाकी मम्मी बस ही बोली कि यही हेल्प कर देता हूँ, ठीक है मम्मी कर देता हूँ। बस अब ये पनीर काटता हूँ, देखिए सही से काट रहा हूँ कि नहीं, और अगर गलत काटूँगा तो भाई टिप जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि सही से कैसे काट। तो भाई अब पूरे पनीर कट चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले जब आप लोग प्लेट में देखेंगे तो इतना सा था आधा किलो पनीर और आप देखें कितना। तो भाई पूरे पनीर अच्छे से कटने के बाद देख रहे हैं, पहले सिर्फ इतना जगह में आ गया था और अभी पूरा इतना सारा हो गया भाई पनीर। सो गाइस अभी मैं खाना वगैरह खा लिया हूँ और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, 2-2 वर्कआउट किया आज हम लोग, मस्कुलर भी और साथ में जो मेरा मार्शल आर्ट्स है वो भी, और अब मैं खाना वाना खा लिया हूँ, बहुत मतलब सुबह जल्दी जाना भी, बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं भाई लोग से आज नहीं किसी और दिन मिलाता हूँ, अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।